How are you, Maria? I'm good, ma'am. Actually, हमारे वर्क में काम करते हैं, इसको जिससे वो प्रॉब्लम है कि मैं अपने सरकारी साथ में क्लास में टाइम चेंज कर रहा हूँ, इसमें जो उसका प्रॉब्लम How are you, ma'am? I am good. Ma'am, I need some help. Yes? Ma'am, मुझे practicals में ना थोड़ा सा guide करो. Yes, क्या बोल रहे हो? Practicals में ना इसमें थोड़ा guide. मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप यहाँ बात कर रहे हो या बाजू में बात कर रहे हो? नहीं मैम, अपने प्रैक्टिकल से ना प्रैक्टिकल, हाँ हाँ इसमें मेरे को थोड़ा गाइड करें आप, गाइडेंस के लिए. आप आती नहीं हो रोज, आप लोगों को रोज आना चाहिए, उसका गाइडेंस सब मिल गया है क्लास में. ठीक है, अभी क्लास के बाद उसके बारे में. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन. पाइनियर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट. ओके, तो हमें सबको पता है पाइनियर्स मतलब क्या. पाइनियर्स मतलब कोई भी एक व्यक्ति, महारथी व्यक्ति, जिसने वो चीज जो है वो स्टार्ट की है, हम उसे क्या बोलते हैं, पाइनियर्स बोलते हैं. तो मारिए ये ग्लॉसरी वर्ड्स पढ़ो तो. Fresco, wall paintings done in tempera watercolor, mythological legendary, revolutionary, innovative, static, motionless. मारे मारे रहने दो मारे, आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है. प्रियंका पढ़ो तो ग्लॉसरी वर्ड्स. प्रियंका ग्लॉसरी वर्ड्स. फ्रेस्को, वॉल पेंटिंग डन विद टेम्पेरा वॉटर कलर्स, मिथोलॉजिकल लेजेंडरी, रिवॉल्यूशनरी इनोवेशन, स्टैटिक मोशनलेस, सोलेम सीरियस, यूनिफॉर्मिटी रेगुलरिटी, विविडली स्ट्रिक्टली, कॉलोनियल आर्ट and art from establishing British rules in India. Expressionism. An art through which emotion, feeling, etc. are expressed. Okay. तो fresco का मतलब क्या है? Fresco मतलब एक wall painting in tempera. Okay, tempera water colors में. Okay, जिसमें white color डालते हैं. माइथोलॉजिकल लेजेंडरी, रिवॉल्यूशनरी मतलब कोई भी चीज जिसको आप इनोवेट करते हो, ओके, और उसमें चेंज लाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशनरी. स्टैटिक का मतलब है जो चीज हिलती नहीं है. सोलम का मतलब है सीरियस. यूनिफॉर्मिटी मतलब हर किसी चीज में अगर हमें रेगुलरिटी दिखती है तो यूनिफॉर्मिटी है. विविडली मतलब स्ट्राइकिंगली, हम कोई चीज देख रहे हैं और वो सामने से कोई पेंटिंग देख रहा है और हमें एकदम से स्ट्राइक हो रहा है, दैट इज विविडली. कोलोनियल आर्ट, ओके, एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटिश रूल इंडिया में. एक्सप्रेशनिज्म मतलब कोई भी फीलिंग्स इमोशंस हम जैसे एक्सप्रेस करते हैं वो पेंटिंग में एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो देखेंगे. ओके, श्रीनिवास पहला पैराग्राफ पढ़ो तो. At the beginning of 19th century, under the influence of the British Raj, Indian art displayed a general decline. The craft and technique
Yes, watercolor. Techniques. Techniques of bricolage and miniature techniques of fresco, miniature paintings, which were unique in history of art, were nearly lost manuscripts, were outside by European oil painting towards the turn of the century. Traditional Indian painting faded out, and it was the time for Indian art to look at their heritage with positive approach and advance from the earlier European colonies. अभी कंटेम्परेरी क्या है? ठीक है, कंटेम्परेरी आर्ट मतलब जो कोई खुद से किसी चीज का फ्री स्टाइल में उसे बनाता है, बट एक मोटिवेशन के साथ, हम उसे क्या बोलते हैं? कंटेम्परेरी. तो 19th सेंचुरी के बिगनिंग में जब ब्रिटिश लोग जो है हमें ये कर रहे थे, दे वेर रूलिंग अस, तब क्या हुआ? ये इंट्रोडक्शन हुआ कंटेम्पररी आर्ट का. गौरवी, आप बीच में से कभी कभी क्यों छोड़ देती हो क्लास? ओके, द क्राफ्ट एंड टेक्निक्स ऑफ फ्रेस्को, ओके, एंड मिनिएचर पेंटिंग्स क्या थी? वो यूनिक थी, बट वो लॉस्ट हो गई थी. ओके, मिनिएचर्स मतलब छोटी छोटी जो पेंटिंग्स होती है. आउटस्टेटेड बाय यूरोपियन ऑयल पेंटिंग टूवर्ड्स द टर्न ऑफ सेंचुरी, ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग्स फेडेड आउट, वो पूरे जो है फेड हो गए थे. और इट वॉज टाइम फॉर इंडियन आर्टिस्ट टू लुक फॉर हेरिटेज, मतलब ऐसा हेरिटेज जिससे उसको, उनको सामने वाले को पॉजिटिव वाइब मिलेंगी, एक अप्रोच मिलेगा, और यूरोपियन कॉलोनियल आर्ट का क्या हो जाएगा? एडवांसमेंट भी हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो, राजा रवि वर्मा कहाँ के थे? वो केरला के थे. वो बहुत फेमस आर्टिस्ट है. ओके, बट उनके सब्जेक्ट क्या है जिनका वो आर्ट बनाते हैं? दैट आर माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स एंड पोर्ट्रेयर. तो उनका जो काम है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बताया ऑयल पेंटिंग में. अभिंद्रनाथ टैगोर ट्राई टू रिक्रिएट अ न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग. ओके, उन्होंने नंदलाल बोस, बेनोदे बिहारी एंड फ्यू फॉलोड दिस न्यूली अवेकंड सेंस ऑफ नेशनलिज्म. मतलब उन्होंने क्या किया, एक नेशनलिज्म, मतलब माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स, माइथोलॉजिकल तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें को बोलते हैं, बट कुछ कुछ चीजें हमारे इंडिया में माइथोलॉजिकल नहीं है, दे रियली एग्जिस्टेड, बट उन्होंने क्या किया, ये सब्जेक्ट्स को लाया और उनको पेंट करना चाहा, और इससे उन्होंने जो है नेशनलिज्म जो है वो जागृत किया. तो उनके सब्जेक्ट्स क्या थे? उनके सब्जेक्ट्स थे इंडियन क्लासिक्स. ओके, तो दे रिजेक्टेड द वेस्टर्न रियलिज्म, वेस्टर्न के जो आइडियाज थे, आइडियोलॉजी थे, वो रिजेक्ट करके उन्होंने क्या किया, प्रेफर किया कि इंडियन आर्ट को कैसे लाना चाहिए. अभी आप इनमें पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें फोक आर्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इंट्रोड्यूस किया है पेंटिंग्स में. उन्होंने एक्सप्रेशन को जो है इंट्रोड्यूस किया है कि कैसे किसी के एक्सप्रेशन पेंटिंग में दिखते हैं. ट्रेडिशनल वाटर कलर टेक्निक के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और चाइनीज स्टाइल के साथ भी उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे. ओके, तो लेटर आर्टिस्ट लाइक अमृता शेरगिल, उन्होंने वेस्टर्न और इंडियन ट्रेडिशंस को एमलगेट करके क्या किया, कंट्रीब्यूशंस किया ये फील्ड में, और वो फर्स्ट लेडी थी मॉडर्न इंडियन आर्ट की. ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पेंटिंग. सब लोग ऑब्जर्व कीजिए ये पेंटिंग. You can see there is a woman. उसके expressions कैसे है, वो कैसे, वो जो swan है उसको देख रही है. How she has dressed up. तो इसमें यही बता रहे हैं, Indians ने क्या किया, western जो culture है उसको नहीं बोल के अपना जो tradition है, अपना जो outlook है उसे लाने की इसमें कोशिश की है. Okay. So, ये पेंटिंग का नाम है हमसा दामवती. ओके, तो टाइटल है इसका हमसा
दामयंती ऑयल ऑन कैनवस कब बनाई गई थी 1899 में, किसने बनाई थी? राजा रवि वर्मा ने। तो सिद्रा पढ़िए तो फर्स्ट पैराग्राफ। यस मैम। Raja Ravi Varma is one of the most celebrated painters of India. His life began in a small village of Kilimanur, Kerala. Ravi Varma's vision as an artist was revolutionary in his contribution to Indian art. A popular and significant artist of his time, he was a prominent representative of Europeanized school of Indian artists. He gained reputation for his water and oil color techniques. Vast panorama of India's mythology is portrayed in series of his works that mostly project the heroines as the central figures. His paintings of Indian divinities still survive in many homes and shrines. His works are still visible in prints, calendars, posters, and other popular arts and oleographs. Ravi Varma is particularly noted for his painting depicting episodes from the story of Dushyanta, Shakuntala, Nala, Damayanti, and from the epic Mahabharata. Okay. तो अभी ये जो पेंटिंग है ये राजा रवि वर्मा ने बनाई है। ये बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड पेंटर थे, ठीक है, आर्टिस्ट थे उस समय के जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, ठीक है। उनकी जो लाइफ है एक छोटे से गांव में किलीमनूर केरला में जो है शुरू हुई। रवि वर्मा का विजन एज एन आर्टिस्ट था रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी का मतलब क्या है? चेंज लाना, नई चीजें जो है लाना। ओके तो उन्होंने वैसे कंट्रीब्यूट किया। तो उनकी पॉपुलर सिग्निफिकेंट आर्टिस्ट ऑफ हिज टाइम वाज अ प्रोमिनेंट यूरोपनाइज स्कूल ऑफ इंडियन आर्टिस्ट। ओके तो उस जमाने के जैसे नहीं आजकल हम बोलते कोई अगर बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट है तो कहाँ से उसने पास आउट किया होगा, तो वैसे ही इन्होंने यूरोपियन स्कूल ऑफ इंडियन आर्टिस्ट से उन्होंने पास आउट किया था, ऐसे बोल सकते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा रेपुटेशन गेन की वाटर एंड ऑयल कलर टेक्निक की। ओके वास्ट पैनोरामा ओके ऑफ इंडियाज माइथोलॉजी इज पोर्ट्रेड इन द सीरीज। मतलब जो भी इंडिया का कल्चर था सब चीजें थी उन्होंने प्रोजेक्ट की। सेंट्रल फिगर्स उनकी मोस्टली क्या थी? हीरोइंस थी। Like his paintings of Indian divinities still survive. बहुत सारे लोगों के घर में राजा रवि वर्मा की बनाई गई पेंटिंग्स है वो है। उनका जो काम है विजिबल इन प्रिंट्स और कैलेंडर्स में आपको दिखेगा, पोस्टर्स में दिखेगा और ओलोग्राफ्स में भी दिखेगा कि दिस इज द पेंटिंग बाय राजा रवि वर्मा। बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग्स है। और पेंटिंग्स जो है यहाँ पे एक एपिसोड डिपिक्ट करता है दुष्यंता ओके शकुंतला नाला दामवंती एंड फ्रॉम द एपिक ऑफ महाभारता। तो ये जो पेंटिंग है उसके बारे में हम पता करते हैं। हमसा दामवती इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ रवि वर्मा। वो 1899 में उसे पेंट किया गया था। और ये जब पेंटिंग आई थी सबके सामने तो ये दिस पेंटिंग क्रिएटेड अ सेंसेशन। सब जगह इसकी जो है चर्चा होने लग गई। मद्रास फाइन आर्ट्स ऑफ एग्जीबिशन में इसको डिस्प्ले किया गया। द वेस्टर्न टेक्निक ऑफ रवि वर्मा मास्टर्ड क्लियरली विजिबल इन द पेंटिंग की उन्होंने कैसी वेस्टर्न टेक्निक लिया था। द पावरफुल ऑफ फोर्सफुल एक्सप्रेशंस ऑफ यूरोपियन पेंटिंग फैसिनेटेड हिम की कैसे पेंटिंग में पूरा जो है एक्सप्रेशन जो लाना है तो हम ये पेंटिंग में देख सकते हैं। पूरा जो है वो एक्सप्रेशन से कैसे देख रही है, क्या कर रही है, वो सब यहाँ पे पेंटिंग में वी कैन सी। ओके तो ये पेंटिंग जो है डिपिक्ट करती है दामयंती। ओके ये एक बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है एक वुमेन की। ओके जो पोर्ट्रे करती है वेरी शेपली एंड ग्रेसफुली, जैसे वो खड़ी है वहां पे आप पेंटिंग में देखो, ठीक है, कैसे उसने रेड ब्यूटीफुल साड़ी पहनी है। लविंगली वो क्या कर रही है? मैसेज सुन रही है उनके लवर से। ओके नाला ओके नाला जो स्वैन है ओके और हमसा ओके हमसा टॉक्स अबाउट नाला ओके कि एक्सप्रेस की नालाज लव फॉर हर की उसके उनका जो जो भी लाइक लवर है पार्टनर है कि वो क्या फील करते हैं। तो वो जो है स्वैन उनको बता रहा है। पेंटिंग शोज द साइलेंट लव ऑफ हार्ट एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ इन द स्पार्क ऑफ हर आइज की उसको जो उसके पार्टनर है उसका जो लवर है उसका मैसेज सुन के कितना अच्छा लग रहा है, उनके चीक्स कैसे ग्लो हो रहे हैं, टेंडर है। और वो वुमेन भी कितनी डिग्निफाइड है जैसे उनका पोश्चरियर है
okay, and lovely that makes her very fascinating, ki kaise wo khadi hai. So the standing figure of Damvati and her posture itself is very suggestive ki jo Ravi Verma ki theme hai, kaise unhone select kiya tha, kaise unhone oil colors pe ye banaya, western influence leke west se sikha aur Indian jo hai, Indian art jo hai unhone craft kiya pura jo hai unki combination technique use ki. और उन्होंने एक वाइटल लिंक जो है प्रोवाइड किया ट्रेडिशनल आर्ट में और कंटेम्प्रेरी आर्ट में बिटवीन द थंजूर स्कूल ऑफ वेस्टर्न एकेडमिक रियलिज्म. रवि वर्मा इज कंसिडर्ड नॉट ओनली वन ऑफ द इंडियस ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट बट ऑल्सो वो कौन है, वो ही इज अ पेट्रियोटिक भी. पेट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, जो लोग जो है इंडिया के लिए या फिर देश के लिए ये होते हैं, लड़ते हैं या फिर देश के बारे में सोचते हैं. सो व्हाट वी विल डू, आई विल जस्ट शो यू राजा रवि वर्मा. ओके, सो दिस पर्सन इज राजा रवि वर्मा. ठीक है, यू कैन सी हिम एंड यू कैन सी हिज पेंटिंग्स. कैसा उनका ग्रेस था, ये दामवती की जो पेंटिंग है हम देख रहे हैं. ओके, दिस वेर द टाइप्स ऑफ हिज पेंटिंग्स. वो क्या करते थे, पूरा इमोशंस जो है उनके पेंटिंग में लाते थे. ठीक है, आफ्टर दिस हम नेक्स्ट पेंटिंग देखेंगे. नेक्स्ट पेंटिंग है ब्रह्मचारी की, वो मीडियम है इसका, कैनवस पे बनाई है, ऑयल ऑन कैनवस. कब बनाई है, 1938 में किसी लेडी ने बनाई है, फर्स्ट टाइम किसी लेडी की उस समय पेंटिंग जो है आई थी. अमृता शेरगिल नाम की लड़की है और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली से उन्होंने क्या किया है, वहां पे उसकी पेंटिंग का जो है कलेक्शन है. तो सिद्रा ने पढ़ लिया. रिम, कैन यू प्लीज रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. सॉरी सॉरी, वन सेकंड. अमृता शेर, हां स्क्रॉल अप, या ओके. शी केम टू इंडिया इन 1921, ड्रो इंस्पिरेशन. अमृता शेरगिल्स अपीयरेंस इज अ ग्रेट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ contemporary 20th century art in India. Born in 1913, her parents were Sardar Umrao Singh Shergill and Lady Antoinette, a Hungarian national. Amrita spent her early years in Europe and had the best of art education in Paris. She was highly influenced by the post-impressionists, including Modigliani and Gauguin. She came to India in 1921, drew inspiration from the exquisite little miniatures of Kangra and frescoes of Ajanta. The figures she drew with expressions on their face were her own invention. Amrita's paintings were not mere reproductions of what she saw around her, but visions born out of the coordination of colors, design, and emotion. Visit to South India inspired her to produce the most remarkable works such as The Bride's Toilet, the Brahmacharis, and South Indian Villagers Going to Market. Okay, okay. Thank you very much. Okay. So, abhi Amrita Shergill ki painting ke baare mein hum pata karenge. Amrita Shergill, okay. Appearance in great event of history. Unka jo hai, matlab appearance matlab unko note kiya jata hai, unko mark kiya jata hai, unka jo hai mention wahan pe hota hai. 1930 में उनका जन्म हुआ, 13 में उनका जन्म हुआ. उनके पेरेंट्स देखो, सरदार उमराव सिंह शेरगिल और लेडी एंटोनिएट. ओके, तो मतलब लाइक मिक्स रेस था, हंगेरियन नेशनल. ओके, तो अमृता जो है उनके जो अर्ली इयर्स है यूरोप में उन्होंने बिताए. ओके, उनको बहुत अच्छा एजुकेशन मिला पेरिस से और वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस थी. ओके, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट. ओके, बाय मोदिग्लिनी एंड गैंग्युइन. ओके, उनसे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी. वो इंडिया आई कब आई, 1921 में. जैसे उनका जन्म हुआ 1913 में, मतलब इंडिया वो 7, 10, 17, 18 साल की उम्र में आई.
और उन्होंने एक बहुत एग्जीक्यूट इंस्पिरेशन लिटिल मिनिएचर्स, ओके, जो कांगरा फ्रेस्को के थे अर्जेंटा से, उन्होंने वहां से इंस्पिरेशन ली और वो क्या करती थी, इन्वेंशन करती थी खुद का और कुछ कुछ फिगर्स जो है बनाती थी. अमृता की पेंटिंग्स वेर नॉट मियर रिप्रोडक्शंस की वो उन्होंने जो देखा, ओके, बट वो क्या करती थी, उनका एक विजन रहता था, वो विजन के साथ वो कोऑर्डिनेट करती थी कलर को, इमोशन को, और उनके पेंटिंग पे लाती थी. फिर उन्होंने एक बार विजिट किया साउथ इंडिया में और वहां पे उनके जो है 3 पेंटिंग्स जो है वहां से उन्होंने इन्फ्लुएंस होके निकाले, दैट इज द ब्राइड ऑफ टूलेट, द ब्रह्मचारीज, साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू द मार्केट. तो हम ऑब्जर्व कीजिए. ओके, तो अभी देखते हैं उन्होंने कैसे इंस्पिरेशन ली. तो द ब्रह्मचारीज विच वॉज पेंटेड इन 1938, ओके, एक फाइन एग्जाम्पल है कि ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदू फेथ, कि मतलब वो ऑब्वियसली वो एक सरदार और एक जो है मे बी फ्रेंच लेडी, उनकी जो है वो डॉटर थी, ओके, तो उन्होंने कैसे इंडियन फेथ को समझा, ओके, विच इज स्टिल प्रिवेलेंट, ओके, इन अ ट्रेडिशनलिस्ट साउथ इंडिया. कि अभी भी साउथ इंडिया अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ट्रेडिशंस जो है वहां पे फॉलो किए जाते हैं. ये जो पेंटिंग में 5 मेल फिगर्स दिख रहे हैं, हमें 5 ब्रह्मचारीज दिख रहे हैं आश्रम के, और वो जो है अमृता शेरगिल, शी सक्सीडेड कि वो कैसे ब्रह्मचारी कितना सिंपल रहते हैं, कैसा उनका हिंदू फेथ होता है डिवोशन का, ओके, द पेंटिंग इज कंपोज्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो हमें सबको पता है ये वर्टिकल प्लेन होता है, हम इसे पोर्ट्रेट बोल सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में उन्होंने पेंटिंग जो है वो बनाई है विथ वर्टिकल प्लेसमेंट्स, मतलब जो लोग है वो वर्टिकली प्लेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में. स्ट्रेस वॉज लेड ऑन वराइटी ऑफ कलर्स ऑफ द बॉडी, मतलब अभी मतलब शी इज लाइक यंग बट लाइक यू कैन सी उन्होंने जो भी वराइटी ऑफ कलर्स थी उनकी बॉडी में, ये देखिए, लाइक ही इज अ लिटिल बिट लाइक ब्राउन, लाइक ही इज बिट लिटिल बिट डार्कर, इनके जो है शेड्स है उन्होंने उसके ऊपर भी काम किया है. यू कैन सी दैट कितना बारीकी से जो है हर किसी का जो रंग है, इंडियंस पता है हम सब एक कलर के नहीं होते, थोड़े से हमारे कलर में डिफरेंस होते हैं. और पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हो, डीप रेड है, उनकी वाइट धोतीज है जो न्यूट्रल बैकग्राउंड में क्या हो रही है, ये हो रही है मतलब ढल जा रही है और उठ के दिख रही है. फोरग्राउंड ग्रीनिश ग्रे डू नॉट डिस्टर्ब कामनेस, की जो ग्रीनिश ग्रे है उसमें से पेंटिंग में ऐसे कामनेस जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है पूरे कंपोजिशन में. धोती में भी वेरिएशंस है अलग अलग रंगों के, दो डिफरेंट बट सटल, ओके, दैट इट गिव्स इम्प्रेशंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी मतलब पूरा एक रेगुलर पिक्चर दिख रहा है, पूरा एक ही वे में जाता हुआ पिक्चर दिख रहा है. द ऑफ वाइट ऑफ द सेंट्रल फिगर विथ ब्लैक एंड ब्राउन बॉडीज अराउंड अगेंस्ट डीप रेड वॉल इज यूज एज अ स्किल, मतलब ये पेंटिंग में आप देखिए बैकग्राउंड भी रेड है और जो बॉडीज भी है मतलब ये ब्रह्मचारी की, दे आर ऑल्सो डार्क, तो भी शी सक्सीडेड उसके ऊपर ही जो बॉडी है, बॉडी का जो कलर है डिफरेंट है, ठीक है, और बॉडी का जो ये है ये डिफरेंट है, तो भी उसमें जो है वो उठ के आ रहा है, दिख के आ रहा है. अगर आप कभी पेंटिंग करने की कोशिश करो, ये इतना इजी नहीं है ऐसे बनाना, ठीक है. शी इज रिमेम्बर्ड, ये इनका जो काम है मतलब जस्ट डन ओवर द पीरियड ऑफ 7 years, 7 साल तक ही उन्होंने किया था. शी पास्ड अवे लेटर, बट द पैशन जिससे उन्होंने उनका ब्रश जो है हैंडल किया था, ओके, एंड द जीनियस विथ विच शी कंबाइंड हर ट्रेनिंग इन वेस्ट एंड हर व्यू ऑफ ईस्ट, मतलब वेस्ट में उन्होंने एजुकेशन किया था और ईस्ट इंडिया को बोलते हैं, तो इंडिया में जैसे उन्होंने काम किया था तो भी उनको जो है बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली.
और उनका जो सिंसेरिटी, कोई भी सब्जेक्ट को जब स्टडी करती थी और काम करती थी तो वो भी उनका टाइमलेस है और क्वालिटेटिव है. ओके और उनके पेंटिंग से दिख के आता है उनको पेंटिंग्स कितनी अच्छी लगती थी और वो उनको कंट्री के प्रति भी कैसा प्रेम था और उनका मोर इम्पोर्टेंटली रिस्पॉन्स टू द लाइफ ऑफ इट्स पीपल, कि जो भी पेंटिंग वो उनके इनमें ला रही है तो कैसे वो रिस्पॉन्स दे रही है. और ऐसा भी कहते हैं शी वॉज द यंगेस्ट अमॉन्ग द पायनियर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट और मोस्ट शॉर्ट लिव, उनकी जो आयु थी वो बहुत कम थी. Okay, this was Amrita Shergill. Okay. अभी ये पेंटिंग ऑब्जर्व कर लीजिए. द एट्रियम, टाइटल है द एट्रियम, वॉटर कलर ऑन पेपर, 1920. साइज है इसका 12 by 12.5 inches by 9.5 inches. आर्टिस्ट है इसका गगेंद्रनाथ टाइगोर. कलेक्शन है इसका रविंद्र भारती सोसाइटी ऑफ जोरांस्को कोलकाता में. तो रीम ने पढ़ लिया, फोरम पढ़िए. यस मिस, गणेशनाथ आपका आवाज नहीं आ रहा है फोरम. फोरम आवाज नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी फोरम. फोरम यू नीड टू चेक योर नेटवर्क फोरम, सॉरी माय डियर फोरम. हेलो, थोड़ा अच्छे से बोलो, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है. Who wants to read? Raise your hand. अच्छा मारिया पढ़ो, तो आपका बैकग्राउंड में आवाज नहीं है तो पढ़ो. ओके पढ़ो मारिया, आपका आवाज नहीं आ रहा है मारिया. गौरवी पढ़ो, तो गौरवी इधर तक ही पढ़ो, ये यूरोप तो की पढ़ो. Rabindranath Tagore was born in 1867 in the Tagore family in Kolkata. He was leading figure in contemporary Indian painters. His important works from 1910 to 1921 were the Sketches of the Himalayas in Himalayas, the life of Chaitanya through art in a sequence, and the wonderful drawings depicting the Indian life. On one hand, he supported his brother Abhindranath, and on the other hand, he showed his inclination towards a Cubist school in Europe. Okay, thank you, Gaurav. ठीक है, तो अभी गगेंद्रनाथ टाइगोर के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं. So let's see. ओके सो दिस पर्सन इज गगेंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, आप उनका काम भी देख सकते हो. आप ना हमेशा एक बात नोटिस करना, जो भी एक आर्टिस्ट होता है ना, उनका काम ना अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाता है कि ये इस पर्सन का काम है. ठीक है, अभी हमने वो ऑट्रियम करके पेंटिंग भी देखी,
तो समझ में आ रहा है इसमें भी उन्होंने उसी हिसाब से, क्योंकि उनका जो स्टाइल है वो स्टाइल इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि एक ही आर्टिस्ट का हाथ होता है ना वो। तो गगेंद्रनाथ टैगोर बॉर्न हुए थे 1867 में टाइगर फैमिली में कोलकाता में, और वो एक लीडिंग कंटेम्प्रेरी फिगर थे इंडियन पेंटर्स की। उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स 1910 टू 1921 में उनके स्केचेस ऑफ हिमालयस, चैतन्य थॉट ऑफ आर्ट, ये सब पेंटिंग्स जो है इंडियन लाइफ की बाहर आई। ऑन वन हैंड उन्होंने सपोर्ट किया उनके ब्रदर को अभिंद्रनाथ, ओके, और दूसरे हाथ में उन्होंने क्यूबिस्ट स्कूल ऑफ यूरोप को भी उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया और प्रोत्साहन लिया। लेटर उनके करियर में उन्होंने डेवलप किया डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ हिज ओन, खुद की जो स्टाइल है वो उन्होंने लाई, उनका जो ब्रांड है क्यूबिज्म का वो लाया। द कोर ऑफ क्यूबिज्म, क्यूबिज्म हमने पहले भी देखा है, क्यूबिज्म मतलब जो भी चीज 3D ऑब्जेक्ट टाइप में दिख रही है वो क्यूबिज्म है, वॉज एक्सपोज टू एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्री स्ट्रक्चर्स, और उन्होंने उसको ही डेवलप किया, एक्सपेरिमेंट किया और आगे इन कंपोजिशंस को अच्छे से जो है ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में और सिंप्लीफाइड फॉर्म्स में वेस्टर्न आर्ट के स्टाइल में आगे तक लाया। ओके, उनकी हिज कार्टून्स आर रिफ्लेक्टेड हिज ट्रीटमेंट्स ऑफ सीन्स ऑफ कोलकाता, उनके जो भी कार्टून्स है हमने देखा वो जो है ट्रीटमेंट्स जो कोलकाता में जो ट्रीटमेंट्स करते हैं उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, वो जो कार्टून्स है वो बनाए। ओके, यू कैन सी इट ओवर हियर। ही नेवर ब्लाइंडली इमिटेड द वेस्टर्न स्टाइल, मतलब कोई कोई नहीं, सामने वाला जो सामने को सिखाता है वही वो ब्लाइंडली कर लेता है, बट उन्होंने कोई भी स्टाइल को ऐसे ब्लाइंडली ये नहीं किया। और वो बहुत बड़े क्रिटिक रह चुके हैं सोशल कार्टून्स के, और उनके जो कार्टून से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, वो जो कार्टूनिस्ट नहीं होते हैं, जैसे अगर आप न्यूज भी देखोगे तो जो भी पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं उनके ऐसे कार्टून्स बनते हैं, तो वैसे वो जो है बनाते थे, और फनी साइड ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन जो है वो उसके द्वारा क्या करते थे, डिपिक्ट करते थे। और ही इज वेल नोन फॉर हिज पॉलिटिकल कार्टून्स एंड सोशल सटायर्स ऑफ वेस्टर्न बंगालीज, की कैसे लोग रहते हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये क्या करते थे, ऐसे जो है अलग अलग प्रकार के कार्टून्स जो है वो बनाते थे। तो उनकी जो एक पेंटिंग है ऑट्रियम, ओके, वो एक बहुत ज्यादा रिमार्केबल एग्जाम्पल है क्यूबिस्ट वर्क का, कि कैसे उन्होंने क्यूबिज्म की स्टाइल को रिप्रेजेंट किया है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को इनकॉर्पोरेट किया है उनके काम में। ओके, तो उनका जो वर्क है क्यूबिस्टिकली ब्रोकन लाइक क्यूबिस्ट ऐसे है, आप ये ऑट्रिम पेंटिंग में देखोगे, उनकी पेंटिंग यहाँ पे होगी शायद, तो ऑट्रियम ओके सो You can see, कैसे उन्होंने क्यूबिस्ट स्टाइल में ये पेंटिंग जो है उनको फॉर्म किया है, उसमें वो पूरा फाइन ब्लेंड लाइट का, ड्रामेटिक इफेक्ट का, कलर्स का कैसे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये पेंटिंग में हमें आपको दिखेगा। देन दो इन मोस्ट ऑफ हिज अर्लियर वर्क एक मल्टीट्यूड ऑफ कलर्स, मतलब अलग अलग शेड्स टेंट्स ऑफ कलर उन्होंने यूज किया था, ये पूरा जो कंपोजिशन है कॉम्बिनेशन है आप देख रहे हो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स का। ओके, और कोई भी आर्टिस्ट वो टाइम का ऐसे वेस्टर्न कंसेप्ट के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता था, बट गगेंद्रनाथ टाइगोर जो है वो करते थे। ही स्टिल रिगार्डेड एज एन आर्टिस्ट हु मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और ही पास्ड अवे इन 1938, बट हिज मेमोरी लिव्स इन हिज पेंटिंग्स, और उनके स्केचेस में आज भी हमें उनकी मेमोरी जो है वो दिखती है। तो कोई डाउट ये चैप्टर में? ओके, सो देर आर फोर टर्मिनल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ये टर्मिनल क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मारिया का क्वेश्चन था,